दिल्ली NCR में आज से मौसम करवट ले रहा है, जो साल के अंतिम दिन तक बना रहेगा। दरअसल मौसम विभाग ने आज से दिल्ली NCR में कोहरा और आसमान में बादल के छाए रहने का अनुमान जताया है। वहीं आने वाले दिनों में बारिश की भी संभावना है। इसी बीच तापमान भी बढ़ा है। कुछ दिन पहले पारा 3 डिग्री तक आ गया था, वो अब वापस लगभग 7 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होगी। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री कम 6.9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा 22.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीते 24 घंटों में हवा में नमी का स्तर 29 से 95% रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं कोहरा भी छाया रहेगा। दिन में थोड़ी हल्की धूप निकलेगी और बीच बीच में बादल भी दिखाई देते रहेंगे। वहीं नोएडा की बात करें तो नोएडा में आज अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, जबकि गुरुग्राम में आज अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। गुरुग्राम में भी बादल छाए रहेंगे। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बाद सांस लेना भी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। सफर के मुताबिक दिल्ली का AQI आज गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है, जो कि 409 है। वहीं नोएडा का AQI भी बहुत खराब है और 344 रिकॉर्ड किया गया है। गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक भी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है और 332 दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।